सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है ट्राई टू मेक फ्यूअर लेस मिस्टेक्स इन योर असाइनमेंट्स, फ्यूअर और लेस, फ्यूअर और लेस, फ्यूअर और लेस, इसका मतलब भी कम होता है और इसका मतलब भी कम होता है। तो भाई दोनों ही ठीक है क्या? कैसे पता चलेगा क्या लगाना है? इसके लिए बड़ा सिंपल सा ट्रिक है आपके पास। क्या करेंगे कि ये फ्यूअर कहाँ लगाएंगे कि जब हम बात करेंगे काउंटेबल नाउन के। नाउन हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है कि काउंटेबल मतलब क्या होना चाहिए। दो वर्ड से बना है, काउंट और एबल। काउंट मतलब गिनती करना, एबल मतलब के लायक होना। तो जिन नाउन को हम गिन सकते हैं को बोला जाएगा काउंटेबल नाउन, और जिन नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं को क्या बोला जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो ध्यान रखना इन वर्ड के बाद एक नाउन ही होगा आपके पास। देखो मिस्टेक्स यहाँ पर नाउन है, सिर्फ ये चेक करना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर वो काउंटेबल हुआ तो फ्यूअर लगाएंगे, अगर अनकाउंटेबल हुआ तो क्या लगाएंगे? लेस। मैं कह रहा हूँ मिस्टेक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या आप मिस्टेक को गिन सकते हो? हाँ गिन सकते हैं कि एक गलती, दो गलती, तीन गलती, इस मिस्टेक को गिना जा सकता है कि यार तुमने अपने असाइनमेंट में ना दो मिस्टेक कर दिए, दो जगह गलती हो गई थी। तो बन रहा है कि हाँ ट्राई टू मेक कि फ्यूअर लेस मिस्टेक्स इन योर असाइनमेंट। तो मैं कौन सा लगाऊंगा? क्योंकि मिस्टेक को गिना जा सकता है, काउंटेबल है, इसलिए मेरे पास क्या लग जाएगा? फ्यूअर लग जाएगा, फ्यूअर, एफ ई डब्ल्यू ई आर, फ्यूअर। ट्राई टू मेक फ्यूअर मिस्टेक्स इन योर असाइनमेंट्स, ठीक है। अब ये ट्रिक काम कर रही है नहीं कर रही, उसको समझाने के लिए दो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे अगर आपके पास मान लो वाटर लिखा आएगा तो मैं क्या लगाऊंगा? लेस लगाऊंगा, फ्यूअर लगाऊंगा, क्योंकि भाई गिन नहीं पाओगे तो क्या लगेगा यहाँ पर? लेस लगेगा। अब देखो प्लास्टिक को भी गिन नहीं सकते, प्लास्टिक को नहीं गिन सकते। प्लास्टिक की बोतल होना एक अलग बात है, प्लास्टिक का टब होना एक अलग बात है, मगर सिर्फ प्लास्टिक में रख दो तो प्लास्टिक को नहीं गिन सकते ना। तो प्लास्टिक के लिए लेस आ जाएगा, अल्कोहल के लिए भी क्या आ जाएगा? लेस। अल्कोहल को भी नहीं मैं गिन सकता। फिर आ जाओ पीपल, भाई पीपल को गिना जा सकता है, तो यहाँ पर इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? फ्यूअर। बुक्स को गिना जा सकता है, डेज को गिना जा सकता है। तो अगर ये दोनों वर्ड्स मुझसे पूछे जाएंगे सिर्फ ये चेक करना काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो क्या लगाओगे? फ्यूअर लगाओगे। अनकाउंटेबल है तो क्या लगा दोगे? लेस लगा दोगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है?